ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो एनिमल कंसेप्ट होने वाला है। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सिंपली वीडियो देख लेना, जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, इस वीडियो में ना कलर कलेक्शन की बहुत ही ज्यादा आपको बनना यार, कलर कलेक्शन जरूर देखना आप सभी को, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वो वाला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना यार, ठीक है? तो वो पार्ट जरूर देखना। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस, पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करके और फिर पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। फिर इसके जाना है आप सभी को ड्रॉ टूल के अंदर। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस, आप सभी को जो है यहाँ पे ऐड फोटो में जाना है, ठीक है गाइस? तो ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है, जो कि मैंने गाइस सिंपली अपने मॉडल को यहाँ पे ले लिया है। तो उसके बाद जो है गाइस, आप सभी को यहाँ पे करना है कि आपको यहाँ पे डन करके आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पे सिंपली ऐड कर देना है। एंड गाइस, यहाँ पे जो है ना बात आती है, जो मतलब कि थोड़ा ना आपसे गड़बड़ हो सकती है, तो मैं आप सभी को बता दूँ, यहाँ पे ना जो आप सभी का मॉडल है ना, उसको आपको थोड़ा छोटा रखना है, क्योंकि यार जो हमारा बैकग्राउंड है ना, उसके हिसाब से जो मतलब मॉडल है ना, थोड़ा आप सभी से इधर उधर हो जाएगा। तो यार आप कोशिश करना है कि आप इसको मॉडल को छोटा लगाओ कुछ इस टाइप से, ठीक है? तो इसको कर देने के बाद आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को बनानी इसमें शेडो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से बना देंगे एक लेयर, एंड इस लेयर को ले जाएंगे हम अपने मॉडल के नीचे। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे ब्रश को, ठीक है? पहले हम यहाँ पे फोटो को जूम कर लेते हैं, एंड उसके बाद सिलेक्ट करते हैं ब्रश को। तो इसका इस साइज को आपको कुछ इस टाइप से रख लेना है। तो गाइस, पहले ना मैं काम करता हूँ, पहले अपने मॉडल को थोड़ा इस साइड में लगा देता हूँ, क्योंकि अभी ना हमें एलिफेंट का पीएनजी भी लगाना था। यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड इसको अपने मॉडल को थोड़ा इस साइड को लगा देंगे, ठीक है गाइस? तो यहाँ पे अभी एलिफेंट का पीएनजी भी लगाना है, तो आप भी थोड़ा गाइस इस तरफ में लगा देना अपने मॉडल को। एंड उसके बाद क्या करना है, आप सभी को जो मतलब कि आपके जो यहाँ पे लेयर है, आप सभी को इसमें जाना है। एंड उसके बाद आप सभी को लेयर को सिलेक्ट करके साइज को कुछ इतना 64 तक रखें, एंड ओपेसिटी को 18 तक रखें, आप सभी को कुछ इस टाइप से जूम करके शेडो बना लेनी है, ठीक है? अपने शूज़ के नीचे जो है आप सभी को इस तरीके से शेडो बना देनी है। इतना कर लेने के बाद गाइस, आप सभी को यहाँ से कर देना है फोटो को डन। एंड उसके बाद गाइस, यहाँ पे हम करेंगे जो भी यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, मैंने जितने पीएनजी वगैरह आप सभी को दे रखे, आप सभी को उनको डाउनलोड कर लेना है। पहले गाइस, हम इस पीएनजी को ले लेते हैं, एंड हम इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देंगे बैकग्राउंड के हिसाब से, बिल्कुल आप फुल स्क्रीन कर देना, ऐसे ईजिली ऐसे ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो इतना कर देने के बाद आप सभी को करना है क्या, यहाँ से कर देना है डन, ठीक है? तो उसके बाद आप सभी को जाना है अगेन ऐड फोटो में, यहाँ चलते हैं ऐड फोटो में। एंड उसके बाद जो है आप सभी को ये वाला पीएनजी ले लेना है, ये मैंने गलती से वापस वही पीएनजी ले लेते हैं, ऐसे हम इसे कट करते हैं, यहाँ से ऐड फोटो में चल के वापस हमें दूसरा वाला पीएनजी ले लेते हैं, जो कि है भाई गाइस हमारा ये मंकी का, ठीक है? तो आपको इसको भी फुल स्क्रीन कर देना, ये भी इजीली आपके मतलब बैकग्राउंड में लग जाएगा। तो आपको इसको भी फुल स्क्रीन करके इजीली ऐसे ऐड कर देना, एंड कर देना डन, ठीक है गाइस? एंड उसके बाद जाना आप सभी को अगेन ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को इस वाला जिराफ का पीएनजी ले लेना है, एंड इसको भी आप सभी को इजीली आप सभी को जैसे फुल स्क्रीन कर देना, एंड ये भी आप सभी के इसमें फिक्स हो जाएगा, ठीक है? तो इतना करते हैं बाद आप सभी को कर देना डन। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को जाना अगेन ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को ये फिर एलिफेंट का पीएनजी लेना है, एंड एलिफेंट का पीएनजी जो गाइस आप सभी को कुछ इस टाइप से लगाना है, ठीक है? तो इसको मतलब गाइस, आप सभी को थोड़ा साइज को इसको मैनेज रखना है, एंड मॉडल से ज़्यादा बड़ा मत कर देना इसको, ठीक है? तो इसको आपको इतना रखना है, एंड यहाँ से जाना ऐड फोटो में। फिर आप सभी को ये जो शेडो की पीएनजी मैंने आप सभी को दे रखा है, एंड गाइस आप बोलोगे कि यार ये जो एलिफेंट का शेडो है हम ड्रॉ टूल नहीं बना सकते, तो बट गाइस देखिए, ये जो मैंने शेडो को पीएनजी आप सभी को दे रखा है, यहाँ पे जब आप लगाओगे ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं लगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ पे ये समझाया। नहीं तो मैं आप सभी को वहाँ पे भी समझा सकता था, बट उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सभी को मैं मतलब कि जितना ईजी हो सके मैं आप सभी को उतना कोशिश करता हूँ कि आपको ईजिली समझा सकूँ। तो गाइस, आप सभी को ये अच्छा लगा तो यार कोई बात नहीं, अगर आप सभी को मतलब कि अगर ड्रॉ टूल से भी करना चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है? बट ये वाला ईजी है, तो ये वाला जरूर आप करना, ठीक है? तो इसको हम यहाँ अपने यहाँ पे लगा लिया है। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ से कर देंगे डन, ठीक है गाइस? तो देखो, एलिफेंट का जो पीएनजी ना एकदम परफेक्ट लग चुका है, ठीक है? तो ये यहाँ तक हो गया डन। एंड उसके बाद क्या करना है, आप सभी को जाना अगेन ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को ये जो ब्राइटनेस का पीएनजी है, ठीक है, आप सभी को इसको लेना है, एंड इसको करना है फुल स्क्रीन, ठीक है? इस पीएनजी को जरूर यूज़ करना गाइस आप भी, ठीक है? इसको ऐसे लगा लेना है, एंड उसके बाद कर देना है ऐसे डन, ठीक है? इतना कर देने के बाद आप सभी को करना है कि आप सभी को जाना अगेन ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को ये ले लेना है, ये वाला पीएनजी, ठीक है? ये पैरट का पीएनजी ले लेना है, एंड कर देना ऐसे ऐड। एंड ऐड पर क्लिक करने के बाद आप सभी को सिंपली अपने जो मॉडल है उसके शोल्डर के ऊपर लगा लेना है, या फिर आप अपने हैंड को भी कुछ इस टाइप मतलब कि अपने हैंड को भी आगे रख के इसको लगा सकते हो, ठीक है? आप सभी को ये ऐसा पोज भी करके आप लगा सकते हो। बाकी इतना हो जाने के बाद कर देना आप सभी को डन। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी की बात आती है इस पे ऐड फोटो पे, एंड दोबारा से जाना एक और मतलब कि एक बार और ये वाला पीएनजी ले लेना आप सभी को, ठीक है? तो इसको लेने के बाद आप सभी को इसको रोटेट कर देना है, एंड उसके बाद आप सभी को इसको फुल स्क्रीन कर देना, एंड कुछ इस टाइप से लगा देना, तो काफ़ी ऑसम लग रहा है ये भी, ठीक है? तो आप सभी को ऐसे लगा देना है, एंड ऐसे कर देना है डन, ठीक है गाइस? इतना कर देने के बाद आप सभी को अब जाना है ऐसे अगेन इसमें इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद आप सभी को जाना है इस ब्लर में। ब्लर में जाने के बाद जो है इसकी ओपेसिटी आप सभी को अराउंड 2 तक रखनी है, ठीक है? अराउंड 2 तक रख देनी है, एंड ऐसे जाना है इरेजर टूल में।
एंड इधर टूल में जाने के बाद यहाँ से करते हैं इन्वर्ट एंड ब्रश पर जाकर साइज को छोटा करके एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को फोटो को जूम करके एंड अपने फेस के ऊपर कुछ इस टाइप से पेंट कर देना है, ठीक है। तो गाइस ये जो मतलब कि बैकग्राउंड से जब फोटो मतलब हम मॉडल को जब थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, तो गाइस हमारी जो फोटो की थोड़ी क्लियरिटी ना वो डाउन हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि जो यार हमारा जो मतलब कि मॉडल होता है ना वो मतलब कि बैकग्राउंड में ज़्यादा ही छोटा लगा देते हैं, तो इस वजह से हमारे मॉडल के जो है थोड़े पिक्सल्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हर किसी के साथ होता है, ये आपके साथ नहीं होता है। तो आप थोड़ा मतलब कि ये ब्लर वाला ऑप्शन है ना, इससे आपके सभी की फोटो की जो है ना थोड़ी सी क्लियरिटी थोड़ी बढ़ जाती है, तो इसको आप जरूर यूज़ करना, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जाना है ऐसे टूल्स में जाने के बाद जाना है अडजस्ट में जाने के बाद आप सभी ब्राइटनेस को बढ़ा देना है एंड ऐसे जाना टूल में ऐसे इन्वर्ट कर देना है, साइज को थोड़ा सा छोटा कर देना ब्रश के एंड सिंपली जूम करके फेस के ऊपर करना है डोजन बन, ठीक है। तो गाइज अभी हमें कुछ पीएनजीज और लगाने, तो आप सभी को वो भी अभी वहाँ पे भी देखना गाइज वो पीएनजीज के क्या आगे लगाने, तो आप सभी को मैं बताता हूँ अभी। तो पहले अभी हम डोजन बन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे कर दिया हमने, तो एंड यहाँ से करते हैं हम यहाँ से थोड़ा सा अमाउंट को कम, ठीक है, अराउंड 8 या 9 तक कर देते हैं एंड यहाँ से कर देते हैं डन, ठीक है गाइज। इतना कर देने के बाद आप सभी को जाना है अगेंस्ट टूल्स में, फिर एडजस्ट में जाने के बाद ब्राइटनेस को बढ़ाना है एंड यहाँ से जाना इधर टूल में, यहाँ से कर देना इन्वर्ट एंड ब्रश पे जाके साइज को छोटा करके आप सभी को करना बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर कुछ इस टाइप से करना है, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देना है, ठीक है, एंड एक यहाँ पे कर देना है एंड एक यहाँ पे कर देते हैं हम और एक यहाँ पे भी कर देते हैं, ठीक है। एंड आप सभी को जहाँ जाता हूँ वहाँ पे आप बॉडी के ऊपर वहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका कर देने के बाद आप सभी को कर देना है डन एंड उसके बाद आप सभी को एक पीएनजी लेना है गाइस, ठीक है। तो ये सनलाइट का पीएनजी लेना आप सभी को, तो क्या करेंगे हम ऐसे जाएंगे ऐड फोटो में एंड सनलाइट का पीएनजी हमने ले लिया है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम ऐसे कर देंगे इसको ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन एंड उसके बाद क्या करना है आप सभी को, इसको पहले फुल स्क्रीन करना है, ठीक है। फुल स्क्रीन कर देने के बाद पहले यहाँ से इसको हम पहले रोटेट कर लेते हैं एंड रोटेट पर क्लिक करके एंड इसको हम रोटेट कर देते हैं एंड उसके बाद हम इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे एंड यहाँ पे लगा देने के बाद आप सभी को जो है इसकी मतलब कि ओपेसिटी वगैरह इसको थोड़ा कम कर लेना है, क्योंकि इसकी जो ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा सी लग रही है मेरे को, तो यहाँ से हम ओपेसिटी में जाएंगे एंड यहाँ से थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देंगे, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को कर देना है यहाँ से डन, ओके गाइस। तो उसके बाद चलते हैं हम दोबारा ऐड फोटो में, एक पीएनजी और ले लेते हैं पार्टिकल्स का लास्ट पीएनजी, तो इसको हम लगा लेते हैं। तो इसको लगा देने के बाद आप सभी को इसका ब्लेंडिंग मोड कर देना स्क्रीन एंड इसको कर देना फुल स्क्रीन एंड फुल स्क्रीन कर देने के बाद इसकी भी ओपेसिटी आप सभी को कम कर देनी है थोड़ी सी एंड इरेजर टूल में जाके और थोड़ा सा जो फेस पे एरिया आ रहा है उसको आपको इरेज कर देना है, ठीक है। तो फेस इरेजर टूल में चलते हैं एंड यहाँ पे इरेज पे क्लिक करके एंड यहाँ पे फेस पे थोड़ा सा इसे पेंट करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इरेज एंड इसको ऐड कर देते हैं डन, ठीक है। तो इतना हो गया, अब आते हैं हमारे कलर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे फोटो कर लेंगे सेव एंड यहाँ से चलेंगे बैक, ठीक है। तो यार जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है और यार अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया यार, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और आप में से कोई भी भाई चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार आप ऐसे अमेजिंग कंटेंट मिस ना कर पाओ। तो गाइस प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर लेना, ठीक है। तो आप बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है, आप सभी को अब करना है कि आप सभी लाइट वाले ऑप्शन में जाना है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देना है, हाइलाइट्स को जो है आप सभी को उसको प्लस में कर देना थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा माइनस में एंड जो शेडो है इसको आपको प्लस में कर देना है एंड जो व्हाइट है आप सभी को इसको आपको थोड़ा माइनस में करके एंड जो ब्लैक है इसको आप थोड़ा मतलब कि प्लस छोड़ देना है, इसको माइनस में 4 तक कर देना है एंड उसके बाद जाना कलर्स में वाइब्रेशन को थोड़ा बढ़ा देना है एंड उसके बाद आप सभी को जो करना है कि आप सभी को थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ा देना है एंड उसके बाद यहाँ से जाना आप सभी को मिक्स में, ठीक है, कलर मिक्स में एंड उसके बाद ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके सैचुरेशन को थोड़ा माइनस कर देना है एंड उसके बाद जाना इस येलो कलर में एंड इसका जो ह्यू है इसको आपको प्लस में कर देना है, ठीक है। तो प्लस में हमें ग्रीन कलर करना है तो इसको प्लस में कर देना है एंड ग्रीन कलर में जाना है, इसके ह्यू को जो है आप सभी को प्लस में रखना है एंड जो सैचुरेशन है इसको भी प्लस में रख देना है, ठीक है। एंड इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ से जाना है ब्लू कलर में एंड इसके ह्यू को जो है माइनस में कर देना है एंड सैचुरेशन को प्लस में एंड उसके बाद कर देना है डन, ठीक है। इस तरह से कर दे डन एंड उसके बाद जाएंगे 3 पॉइंट्स वाले ऑप्शन में एंड उसके बाद इसको हम जो इसका शेडो है इसको हम ग्रीन टोन में ले जाएंगे, ठीक है। एंड जो इसके बाद है मिड टोन इसको भी हम ले जाएंगे ग्रीन टोन में एंड उसके बाद जो है हाईलाइट्स आते हैं अब इसको भी ले जाएंगे हम ग्रीन टोन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारी फोटो यहाँ पे परफेक्टली हो जाएगी ग्रीन कलर की। तो उसके बाद हम ऐसे डन करते हैं एंड उसका चलते हैं नीचे वाले टूल में एंड यहाँ से जो है फोटो की थोड़ी क्लियरिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं एंड जो विग्नेट है इसमें हल्का सा विग्नेट डाल देते हैं एंड उसके बाद चलते हैं हम यहाँ से नीचे वाले ग्रेन अमाउंट को बढ़ा के फिर उसके बाद चलते हैं नीचे वाले टूल में एंड यहाँ से हम जो है फोटो की शार्पनेस को बढ़ा देंगे एंड उसका जो नॉइज़ रिडक्शन है इसको बढ़ा देंगे एंड जो कलर नॉइज़ रिडक्शन है इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है, आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार आप सभी का अमेजिंग कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।